नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हिंसक घटना दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में हुई। इसी बीच गृह मंत्रालय के साथ साझा की गई ताजा खुफिया रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक दलों के साथ प्रतिबंधित चरमपंथी और आतंकवादी इस्लामी संगठन सीमी और पीएफआई पर हिंसा भड़काने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंका जाहिर की गई है कि हिंसा के पीछे उन लोगों की करतूत है जो सरकार के कदम के खिलाफ हैं। इन सभी संगठनों का उद्देश्य देश में कानून व्यवस्था को प्रभावित करना है। खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह हिंसा दूसरे हिंदी राज्यों में भी फैल सकती है। हालांकि गृह मंत्रालय सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सावधानी बरतने की बात कही गई है। सूत्रों ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फर्जी व अफवाह से भरे समाचार के प्रसार पर रोक लगाने के साथ ही हिंसा को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तमाम अफवाहों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।